हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th एंड टुडे वी आर डूइंग द टॉपिक हंटर्स एंड गैदरर्स ऑफ द चैप्टर द ट्राइबल कम्युनिटीज़। सो हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में हम बात करते हैं कि हंटर्स का मतलब होता है जो शिकारी होते हैं और गैदरर्स यानी कि जो वुड्स रूट्स फ्रूट्स वगैरह इनको कलेक्ट करते हैं। तो हंटर्स और गैदरर्स में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हंटर्स। इन मैनी रीजन्स अगर हम बात करें, बहुत सारे रीजन्स में ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि खॉन्स, अगर ट्राइबल ग्रुप्स की हम बात करें, खॉन्स इन द फॉरेस्ट ऑफ ओरिसा डिपेंडेंट अपॉन कलेक्टिंग और गैदरिंग फ्रूट्स रूट्स वुड्स एंड एट्सेट्रा एंड कलेक्टिव हंट्स। बहुत सारे रीजन में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जैसे खॉन्स हैं वो फॉरेस्ट एरिया में डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनकी जो आजीविका है, उनका जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ की इकोनॉमी है, वो ये कलेक्टिंग करने में, जैसे फ्रूट्स रूट्स वुड्स एक्सेट्रा, इन्हीं को कलेक्ट करने में उनका यूज़ होता है। एंड कलेक्टिव हंट्स और ये सारी चीज़ें, यानी कि वो जो शिकार करते हैं उन हंट्स को कलेक्ट करने में। दे कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल। वो फूड कुक करते हैं जिस ऑयल से, वो साल के सीड से निकलता है, यानी कि साल एक वैसे तो साल जो है वो मेनली वुड के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसकी बार्क से ऑयल भी निकाला जा सकता है। तो उससे वो फूड कुक करते हैं और महुआ से भी वो ऑयल निकालते हैं। एंड यूज्ड मैनी श्रब्स एंड हर्ब्स एज मेडिसिन, और एज ए मेडिसिन बहुत सारी श्रब्स और हर्ब्स को वो यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो पूरी लाइफ है, इनकी जो पूरी आजीविका है, वो किस पर डिपेंड होती है? ओनली फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है। देखिए, इनके रहन सहन से लेकर के इनके खाने पीने तक और इनकी दवाइयों तक, ये सब कुछ किस पर डिपेंड है? फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है। दे सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट, और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ये उन्हें लोकल मार्केट में सेल कर देते हैं। सो फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब फॉरेस्ट से मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट से मिलने वाले सभी प्रोडक्ट्स को ये लोकल मार्केट में सेल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोकल डायर्स बॉट कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स, जैसे कि लोकल डायर हैं, डाई करते हैं, जो कलर जो कपड़ों पर डाई किया करते हैं, कपड़ों पर कलर किया करते हैं, तो लोकल डायर्स जो होते हैं वो कुसुम और पलाश के जो फूल होते हैं उनको खॉन्स जो जनजाति है, खॉन्स जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, उससे परचेज कर लेते हैं। समटाइम दे लेबर्ड इन द फील्ड ऑफ द पीजेंट एंड अर्न मनी, और कई बार ये लोग क्या करते हैं कि किसानों के खेतों में काम भी करते हैं और उस तरीके से जो मनी है उसको भी अर्न करते हैं। दे यूज टू बाई ग्रेन्स विद दिस मनी इन एक्सचेंज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और उस चीज़ उस प्रोडक्शन से ये क्या करते हैं, अपना जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उस मनी से अपना ग्रेन्स जो है उनको परचेज करते हैं। However, some tribals like Baigas of Central India, वैसे तो जो कुछ tribals हैं Baigas जैसे Central India है, felt it below the dignity to become laborers। कुछ जनजातियाँ जो हैं वो लेबर बनने में यानी मजदूरी करने में अपनी डिग्निटी को कम होना समझती हैं कि उससे हमारी डिग्निटी जो है वो कम हो जाएगी। सम आउटसाइड ट्रेडर्स कम एंड सोल्ड अनअवेलेबल प्रोड्यूस एट हाई प्राइसेस टू दैम, कुछ आउटसाइड ट्रेडर्स जो हैं वो सोल्ड करते हैं अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स को एट हाई प्राइसेस टू देम, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस में। देन द ट्राइबल गॉट सैंक्शन अ लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मनी लेंडर्स से इनको जो इंटरेस्ट जो मनी मिलती है, जो लोन मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पर मिलता है। द साइकिल ऑफ डेब्ट लेड टू पॉवर्टी, जो साइकिल ऑफ डेब्ट है इस तरीके से उन्हें गरीबी की तरफ ले जाता है। कहने का मतलब है कि जब ये लोन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे मिलता है या कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पर लोन मिलने की वजह से इनमें, क्योंकि हर ईयर जो है ये अपना लोन कम्प्लीट तरीके से नहीं चुका पाते, और जब ये अपना लोन कम्प्लीट नहीं चुका पाते तो इन्हें किसका सामना करना पड़ता है, डेप्टनेस का सामना करना पड़ता है, और बार बार इन्हें लोन लेना पड़ता है और फिर इनकी ज़मीनें भी चली जाती हैं। सम आउटसाइड ट्रेडर, कुछ आउटसाइड ट्रेडर जो हैं वो आए पहले के समय में एंड सोल्ड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स एट हाई प्राइसेस, हाई प्राइसेस पर इन्हें खूब बेचा, हाई प्राइसेस पर बेचा, हाई प्राइसेस पर इन्हें लोन दिया, हाई प्राइसेस पर ही। सो द ट्राइबल केम टू सी द ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स एट द कूज, तो ट्राइबल्स जो हैं उन्होंने प्रोडक्ट्स को देखा और केम टू सी द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स को इन्होंने देखा, मनी लेंडर्स को एज अ दिकूज मीनिंग इविल आउटसाइडर्स, और इन्हें इविल आउटसाइडर कहा कॉज ऑफ दियर सफरिंग, अपनी सफरिंग की कॉस्ट से।
अपने सफरिंग की कॉस्ट की वजह से, क्योंकि इनकी वजह से जो ये हाई राइज ट्रेडर्स थे इनकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ा था। इस वजह से इन्होंने इन्हें क्या कहा, सफरिंग्स ऑफ देयर कहा, यानी कि ये लोग इनके जो समझ में नहीं बैठते और ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहना पसंद करते हैं। तो ये था हमारा हंटर्स एंड ट्रेडर्स, हंटर और गैदरर्स की लाइफ हमने देखी। हंटर्स और गैदरर्स की लाइफ में क्या है कि मेनली जो इनका जो रहन सहन है, यानी कि इनकी लाइफ जो है वो पूरी की पूरी जो इनकी लाइफ है वो डिपेंड है किसके ऊपर, पूरी लाइफ इनकी डिपेंड है फॉरेस्ट के ऊपर। और फॉरेस्ट के ऊपर जो इनकी लाइफ डिपेंड है, फॉरेस्ट के ऊपर लाइफ डिपेंड होने का मतलब है कि पूरे तरीके से अपना जो जीवन है उसको फॉरेस्ट के लिए और अपने जीवन के लिए फॉरेस्ट को यूज़ करना और फॉरेस्ट के लिए अपने जीवन को यूज़ करना, ये इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो रह गया है। क्योंकि इनके जो बाहर के लोगों से जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। हर्डर्स की हम बात करते हैं। देखिए, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स वर पैस्टरलिस्ट हु हर्डेड एंड रियर्ड एनिमल्स। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि पैस्टरलिस्ट होते हैं, यानी कि चरवाहे होते हैं, जो कि जानवरों को यानी कैटल्स को ग्रेजिंग लैंड में ले जाते हैं, ग्रेज कराते हैं। हु हर्डेड एंड रियर्ड एनिमल्स, जो कि एनिमल्स को पालते हैं। दियर एनिमल्स ग्रेज्ड फ्रीली ऑन हिल्स एंड जंगल। उनके जो एनिमल्स होते हैं वो जंगलों में और पहाड़ियों में फ्रीली घूमते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई रोक टोक या कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती हैं। दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रास। एक जगह से दूसरे जगह पर वो घास को ढूंढते हुए चले जाते हैं और उनके एनिमल्स भी। द वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स, पंजाब हिल्स के अगर वन गुज्जर्स की बात करें जो कि लाबदीज हैं। लाबदीज ऑफ आंध्र प्रदेश हर्डेड कैटल। द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड कोट्स एंड द गद्दीज ऑफ कुल्लू रियर्ड शीप। लाबदीज हैं जो आंध्र प्रदेश के, वो कैटल हर्ड करते हैं। नेम आपको लर्न रखने होंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा इनको। द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर और कश्मीर के बकरवाल्स रियर्ड गोट्स, वो भी गोट्स का पालन पोषण करते हैं। एंड द गद्दीज ऑफ कुल्लू रियर्ड शीप, और जो गद्दीज हैं कुल्लू के वो शीप को रियरिंग करते हैं, शीप की रियरिंग करते हैं। सम टुक टू सेटल कल्टिवेशन, और इनमें से कुछ जो हैं उन्होंने अपना जो कल्टिवेशन है उसको सेटल कर लिया है। तो ये आपको लर्न रखने होंगे। सबसे पहले तो ये जो ट्राइबल पीपल हैं जैसे लबदीज, बकरवाल्स एंड गद्दीज, ये सभी के सभी क्या हैं, हर्डर्स हैं, यानी कि जो अपने कैटल्स को क्या करते हैं, हर्ड करते हैं, यानी कि उनको चराते हैं और उन पर इनका डिपेंड होता है जीवन सारा। सम टुक टू सेटल्ड कल्टिवेशन, अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि सेटल्ड कल्टिवेशन में आ गई हैं। कुछ लोगों ने ऑप्शन चुना कि हमें सेटल्ड कल्टिवेशन में ही जाना है। सम ट्राइबल बिगन टू सेटल डाउन, कुछ ट्राइबल ने धीरे धीरे, वैसे तो ये सेटल नहीं होते, घुमंतू जीवन ही जीते हैं, लेकिन कुछ ट्राइब्स ने स्टार्ट किया कि उन्हें सेटल होना है। दैट मीन्स कल्टिवेटिंग दियर लैंड्स वन प्लेस आफ्टर ईयर, दे लर्नड यूज ऑफ फ्लो। एक के बाद एक इन्होंने जब लैंड को कल्टिवेट किया एक साल तक उन्होंने, फिर ईयर आफ्टर ईयर लगातार कल्टिवेशन करते गए, यानी कि खेती वगैरह करते गए। दे गॉट राइट ओवर द लैंड, तो उनका, और फिर इन्हें हल वगैरह का यूज़ करना भी आ गया और कल्टिवेशन करना भी इन्हें प्रॉपरली आ गया। दे गॉट राइट्स ओवर द लैंड, और उन्हें अपनी लैंड पर अधिकार मिल गया जहाँ पर। देन दे लिव ऑन द लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, जैसे कि छोटा नागपुर में मुंडाज जो हैं उन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ है, बिकॉज क्योंकि शुरू से ही जब वो यहाँ पर रहे हैं तो शुरू से उन्होंने यहीं पर कल्टिवेशन किया है, और यहाँ पर कल्टिवेशन करने की वजह से ही उन्होंने जो राइट्स ऑफ लैंड हैं वो वहाँ के ले लिए हैं। मोर पावरफुल अमंग देम बिकम द चीफ हु रेंटेड आउट द लैंड, और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है इनके बीच में वो चीफ बन जाता है जो लैंड को रेंट पर दिया करता है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सा द सेटल ट्राइबल ग्रुप जैसे गोंड, संथाल एज मोर सिविलाइज देन शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने गोंड्स और संथाल ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे इनको देखा और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये लोग जो हैं शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स से ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, गैदरर्स एंड हर्डर्स हैं। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स कम्बाइंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने कम्बाइंड किया हुआ है शिफ्टिंग कल्टिवेशन को विद हंटिंग एंड गैदरिंग। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स को कम्बाइंड किया गया है शिफ्टिंग कल्टिवेशन को हंटिंग और गैदरिंग से। दे डिड इट आफ्टर कंसिडरिंग रीज़न, उन्होंने ये किया कुछ रीजन्स की वजह से, जैसे कि सोइंग एंड राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड अदर प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा, जैसे बीज बोना, फ्रूट्स क्रॉप्स का पकना, फ्रूट्स का अवेलेबल होना, तो उन्होंने हंटिंग और गैदरिंग को एक साथ कलेक्ट कर लिया, दोनों को कंबाइंड करके उन्होंने शिफ्टिंग कल्टिवेशन यूज़ किया। ट्राइबल यूज़ टू मेक दियर होम्स ऑफ लॉग, ट्राइबल्स जो हैं वो अपने घर जो हैं वो लॉग्स के बनाते हैं।
स्ट्रॉज एट्सेट्रा एंड ऑल्सो बास्केट, बास्केट भी बनाते हैं वीव मैट्स एंड क्लोथ्स, और क्लोथ्स और मैट्स भी बनाते हैं इन चीज़ों का यूज़ करके। तो देखिए बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उन्होंने शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, हंटिंग और गैदरिंग यानी तीनों चीज़ें एक साथ करने लगी। दे डिड इट आफ्टर कंसिडरिंग रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स थे क्योंकि एक जगह रहना तो होता ही था। जब उन्होंने कल्टिवेशन किया था तो हर्डर्स भी बन गए और जानवरों के लिए भी थोड़ा बहुत चारा वगैरह वो प्रोड्यूस करने लगे, तो और अपने लिए मैट्स, क्लोथ्स और बास्केट्स वगैरह ये भी बनाने लगे, इससे भी उन्हें काफ़ी बेनिफिट हुए। अब है ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन ट्राइबल अफेयर्स। अब जो ट्राइबल अफेयर्स हैं उनमें ब्रिटिशर्स का क्या इंटरफेरेंस हुआ? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि ब्रिटिश पर्सन्स जो हैं, ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि जो ट्राइबल पीपल हैं ये शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स से ज़्यादा, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टिवेशन में उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था ब्रिटिशर्स को, तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन से ज़्यादा उन्होंने ट्राइबल पीपल जो हैं वो सिविलाइज्ड लगे। ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स में ब्रिटिश इंटरफेरेंस फॉर द एजेस इंडियन ट्राइब्स लिव्ड इन फॉरेस्ट। एजेस इंडियन ट्राइब्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रहा करती थी एंड हिल्स विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद सिविलाइजेशन, और हिल्स में बिना किसी कॉन्टैक्ट के विद सिविलाइजेशन। वैन द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड दियर पोजीशन इन इंडिया, जब ब्रिटिश ने कंसोलिडेट की अपनी पोजीशन इंडिया में, यानी ब्रिटिश लोग हैं जो इंडिया में प्रॉपरली आ चुके थे, दियर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स नेसेसिटी टू ओपन अप द एंटायर कंट्री। तो उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स थी, नेसेसिटी टू ओपन अप द एंटायर कंट्री, उनकी उनको क्या ज़रूरत थी कि पूरी कंट्री को जो ज़रूरत है उसको, एंटायर कंट्री को ओपन अप करें। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम लैंड ओनरशिप का एंड रेवेन्यू का, रेवेन्यू का सिस्टम और लैंड ओनरशिप का जो सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स ने ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। टैक्स वॉज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ट्राइबल कल्टिवेटर्स, फिर धीरे धीरे ट्राइबल कल्टिवेटर्स के लिए टैक्स इंक्रीज कर दिया गया, यानी ब्रिटिशर्स तो वैसे भी अपने प्रॉफिट के लिए ही वर्क कर रहे थे। द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल एरियाज़, द ब्रिटिश जो हैं वो ट्राई कर रहे थे एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ट्राइबल एरियाज़ पर कंट्रोल रख सके, एक ऐसा सिस्टम जो आदिवासीज की जो फ्रीडम है वो ख़त्म कर दे, विथ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश लॉ, जिससे कुछ लॉ एंड ऑर्डर निकालने के साथ साथ इन एरियाज़ में ब्रिटिश जो थे वो ट्राइब्स को हैंड्स ऑफ आउटसाइडर्स के हाथों से एक्सप्लॉइट होने से भी बचाना चाहते थे, क्योंकि आउटसाइडर्स जो थे वो भी उनके मेहनत का मिसयूज़ कर रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि ये जो मेहनत कर रहे हैं इसका जो यूज़ है वो, इसका बेनिफिट जो है वो हमें मिले। ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर ओफन फॉलोड बाय सेटलर्स, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो हैं उन्हें कई बार सेटलर्स ने फॉलो किया, हु बॉट अप लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ट्राइबल लैंड्स, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी ट्राइबल लैंड्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो समझौते हैं वो लेकर आए। इंक्रीजिंग मिशनरी एक्टिविटी, मिशनरी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने का, इंक्रीजिंग मिशनरी एक्टिविटी मेड मैनी आदिवासी फील थ्रेटन्ड ऑफ लॉसिंग देयर कल्चर। मिशनरी एक्टिविटी जैसे जैसे इंक्रीज होने लगी तो बहुत सारे आदिवासी जो थे वो अपने संस्कृति को खोने का उन्हें डर होने लगा, क्योंकि अब तो मेनली जो ईसाई मिशनरीज थी उन ईसाई मिशनरीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, और ईसाई मिशनरीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का मतलब क्या था कि ईसाई मिशनरी अगर ज़्यादा हो गई तो आदिवासियों का जो कल्चर है वो तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। द क्रिश्चियन मिशनरीज़ वर ऑल्सो एक्टिव इन सम ऑफ द ट्राइबल एरियाज़, क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो भी एक्टिव हैं कुछ ट्राइबल एरियाज़ में। समटाइम्स क्रिएटेड होस्टाइल फीलिंग अमंग द ट्राइब्स, कई बार जो ट्राइब्स हैं उनके लिए हॉस्टाइल फीलिंग आती थी इनके लिए, क्योंकि ये लोग तो यहीं के थे, यहीं के नेटिव्स थे। द ट्राइब्स मोस्टली रिसेंटेड, ट्राइब्स जो थे उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूशंस भेजे आउटसाइडर, यानी बहुत ज़्यादा परेशान थे ये सोसाइटी से, अपनी सोसाइटी में आउटसाइडर्स की एंट्री से। दियर रिसेंटमेंट रिजल्टेड इन ओकेजनल वॉयलेंट आउटबर्स्ट, उनका ये वापस भेजना उन्हें, इससे बहुत ज़्यादा वॉयलेंट आउटबर्स्ट हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा हिंसक, बहुत सारी हिंसक गतिविधियाँ भी हुई, यानी कि लड़ाई झगड़े और रिवॉल्यूशंस वगैरह अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, कॉल ट्राइबल रिवॉल्ट्स, और उन्हें क्या कहा गया, जनजातीय विद्रोह, यानी ट्राइबल्स के द्वारा जो रिवॉल्ट किए गए वो इन्हें कहा गया। अंडर द कॉलोनियल फंक्शन, कॉलोनियल फंक्शंस के अंडर में पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स, ट्राइबल चीफ्स जो थे उनकी पावर्स चेंज हो गई कंसिडरेबली बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, दीज ट्राइबल चीफ्स इंजॉय, और ब्रिटिश चीफ्स के आने से पहले
ब्रिटिश ट्राइबल चीफ्स के आने से पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड यूज्ड टू एडमिनिस्टर कंट्रोल दियर टेरिटरीज, उनकी टेरिटरीज को कंट्रोल करना, विच वर नॉट सो नाउ, जो कि अब आज के समय में ऐसा नहीं है. दे वर अलाउड टू कीप दियर लैंड टाइटल्स, उनके लैंड टाइटल्स रखना बहुत ज़रूरी था उनके लिए. सो कॉलोनियल रूल के अंदर जो फंक्शंस एंड पावर्स हैं ट्राइबल चीफ्स के, अंडर द कॉलोनियल रूल द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली. ट्राइबल चीफ्स के फंक्शंस एंड पावर्स जो हैं कॉलोनियल रूल ने ब्रिटिश इंडिया में चेंज हो गए काफ़ी ज़्यादा. बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के यहाँ आने से पहले ट्राइबल चीफ जो हैं वो काफ़ी इकोनॉमिक पावर जो हैं उनको इन्जॉय कर रहे थे. यूज टू एडमिनिस्ट्रेट एंड कंट्रोल दियर टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहे थे. विच वर नॉट सो नाउ, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं था. दे वर अलाउड टू कीप दियर लैंड टाइटल ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स. उन्हें सिर्फ अलाउ किया गया था कीप दियर लैंड टाइटल्स ऑफ अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, अपने क्लस्टर ऑफ विलेजेस की जो लैंड टाइटल्स हैं उनको कीप इट अप रखने के लिए. रेंट आउट लैंड्स, इन दिस प्रोसेस दे लॉस्ट मच ऑफ दियर एडमिनिस्ट्रेटिव, और इस प्रोसेस में उन्होंने अपने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो खो दी. एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉज एंड मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और उन्हें फोर्स किया गया लॉज के लिए, मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो भी लॉज बनाए गए थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा. दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश, उन्हें ट्रिब्यूट भी देना था ब्रिटिशर्स को. एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश में, हैंस अंडर द कॉलोनियल रूल दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर इन्जॉयड अमंगेस्ट दियर पीपल. वैसे तो कॉलोनियल रूल में उनकी जो अथॉरिटी थी वो सभी खो चुकी थी. वर अनेबल टू फुलफिल दियर ट्रेडिशनल फंक्शन, और उनके ट्रेडिशनल फंक्शन को वो पूरे तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते. यानी कि कहने का मतलब है उनके जो कल्चरल जो राइट्स थे वो सभी धीरे धीरे क्या हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे. अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स कौन कौन से हैं ऐसे रिवॉल्ट्स के, हम मैप की भी बात करेंगे जो कि हम कल करेंगे. तो कुछ ऐसे रिवॉल्ट्स के जो एग्जांपल हैं वो देखिए, कोल का रिवेलियन जो हुआ था 1831 से 32 में, संथाल का रिवेलियन हुआ, संथाल जो जनजाति है उसने विद्रोह किया 1855 में. बिहार बंगाल भील बस्तर रिवेलियन इन सेंट्रल इंडिया में बिहार बंगाल और भील का रिवेलियन हुआ, विद्रोह हुआ मध्य भारत में इन 1910 में. एंड मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, एंड द वर्ली रिवॉल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940, और वर्ली रिवॉल्ट जो हुआ महाराष्ट्र में 1940 में. एंड बिरसा मूवमेंट जो हुआ, बिरसा मुंडा देखिए बहुत ही फेमस एक आइकॉनिक कैरेक्टर है. बिरसा मुंडा एक ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल लीडर थे जो कि झारखंड से थे. ही लेड वन सच मूवमेंट, इन्होंने भी एक ऐसा ही मूवमेंट जो था उसकी लीडरशिप की. तो ये थी हमारी लीडरशिप में, बिरसा मुंडा की लीडरशिप में जो हुआ, बिरसा मुंडा की जो मुंडा रिवेलियन हुआ उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तो यहाँ तक आपको कंप्लीट लर्न करके आना है, रीड करके आना है, और मैप जो है उसको भी फिल करना है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस्ड अबाउट द मैप ऑल्सो. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.